नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। और आज के इस वीडियो में एक पेन रिलीवर मेडिसिन है अल्ट्रासेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अल्ट्रासेट का जो ये अल्ट्रासेट है, ये मेडिसिन का ब्रांड नेम है। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, इसमें एसिटामिनोफेन जिसको पैरासीटामोल भी कहते हैं, और साथ ही दोस्तों इसमें ट्रामाडोल डाला गया है। तो दोस्तों इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, जैसे कि भाई ये जो अल्ट्रासेट है ये आखिरकार है क्या, साथ ही दोस्तों इसके क्या क्या उपयोग हैं, किस किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, इस टैबलेट को कैसे लेना रहता है, क्या इसका डोज चलाया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, साथ ही दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं, और इस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सभी जानकारी पाने के लिए बने रहें आप अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी डीआर धर्मेंद्र के साथ। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये जो अल्ट्रासेट है, इसमें जो पैरासीटामोल और ट्रामाडोल डाली गई है, आखिरकार ये है क्या। तो दोस्तों पैरासीटामोल के बारे में बात करें तो दोस्तों पैरासीटामोल के अंदर क्या होता है कि ये बुखार को कम करने के साथ साथ में बॉडी में अगर पेन है हल्का फुल्का तो उसको भी ये ठीक कर देती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ट्रामाडोल की, तो दोस्तों ट्रामाडोल ओपोइड एनाल्जेसिक क्लास के मेडिसिन होती है। कहने का मतलब है ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, हमारे बॉडी में दर्द से राहत देती है, पेन को कम करती है। फ्रेंड्स बात करें कि भाई ये अल्ट्रासेट टैबलेट मार्केट में मेडिकल स्टोर पे कितने रुपए की मिलती है, तो दोस्तों इसकी 15 टैबलेट की स्ट्रिप आती है जो कि 249 रुपए की आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, आप आसानी से इसे बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब फटाफट बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों हमने जैसा कि बताया आपको, अगर पेशेंट को बुखार रहता है और उसके बॉडी में मॉडरेट टू सीवियर पेन है, तब इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं आप। और अगर फीवर नहीं है तब भी, अगर पेशेंट के दर्द की शिकायत है, मॉडरेट टू सीवियर पेन है, तब भी आप ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन लोगों की सर्जरी होती है उसके बाद में दर्द से बचने के लिए डॉक्टर ये टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर किसी के मान लीजिए कि मसल्स और हड्डियों मतलब जॉइंट से रिलेटेड किसी प्रकार का दर्द रहता है, वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, तब भी पेशेंट को डॉक्टर ये टैबलेट दे सकते हैं। और दोस्तों पेनफुल डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसी की हो गई है तब भी डॉक्टर इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही किसी को अगर माइग्रेन में सीवियर पेन रहता है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तब भी ये टैबलेट दी जा सकती है। साथ ही दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है, तब भी डॉक्टर ये दवाई पेशेंट को दे सकते हैं। साथ दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसके जोड़ों से रिलेटेड दर्द और सूजन बनी रहती है, तब भी डॉक्टर ये टैबलेट लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग जो कि आपने डिटेल में जाना। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में भाई पेशेंट को रिकमेंड करें। तो बात कर लेते हैं अब हम इसके हाउ टू यूज़, कि आपको ये दवाई लेनी कैसे है। तो दोस्तों ये दवाई आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, कहने का मतलब है खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और ये जो टैबलेट है दोस्तों सुबह शाम खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर जिस हिसाब से बताता है, क्योंकि दोस्तों जो डोज होता है वो पेशेंट की कंडीशन और सेवेरिटी पर डिपेंड करता है, तो जिस हिसाब से आपका डॉक्टर बताता है आप उस हिसाब से इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें से जैसे कि दोस्तों नौजिया, वॉमिटिंग, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेशेंट को वीकनेस लगना, डिजी फील होना, या मुंह में सूखापन होना, या नींद जाता आना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा भी आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सावधानियां क्या क्या रखनी है।
तो दोस्तों सावधानियों में सबसे पहली जो सावधानी है वो यही है कि अगर आपको इस दवाई से किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर पहले कभी एलर्जी रह चुकी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करे कि ये मेडिसिन आपके लिए सेफ है या नहीं है। लीवर किडनी की जिन लोगों को गंभीर कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसका डोज है वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अल्ट्रासेट दवाई के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।